डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में आप देखें बिना समय लिए हुए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और हाउ टू प्रूव इट। पिछले अगर प्रूफ देखना चाहते हैं और प्रॉपर्टीज के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्लेलिस्ट में क्लिक करें। अब यहां देखिए -a2a f(x) dx इज इक्वल टू दिस मच वी आर सपोज टू प्रूव, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसे हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, -a20f(x) dx +0 to a f(x) dx। ऐसा हमने किस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए किया? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अल्फा टू बीटा g(x) dx। इसको आप लिख सकेंगे अल्फा टू गामा g(x) dx प्लस गामा टू बीटा g(x) dx। ये ध्यान दें, पर इसमें शर्त है, अल्फा इज लेस देन गामा इज लेस देन क्या होना चाहिए? बीटा होना चाहिए। अल्फा लेस देन गामा लेस देन बीटा, अगर ऐसा हो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो दो चाहे आप, तीन चाहे, पांच चाहे, फिर और चाहे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 2 आपके पास है f(x) dx, तो आप इसको लिख दें 1 से 1.1 लिख दें, फिर 1.1 से आप लिख दें 1.2 लिख दें, 1.2 से आप 1.21 पे ब्रेक कर दें, 1.21 से 1.212 कर दें, इस तरीके से आप, और आखिरी में आपको कहाँ जाना है? आखिरी में आपको 2 पे पहुंचना है। तो ऐसे हमने दो इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करने का आइडिया हमें क्यों आया? तो ब्रेक करने का आइडिया हमें इस लालच से आया। किस लालच से? तो ये लालच है हमारे पास कि हमें प्रूव करना है 2 0 to a। तो हमने एक तो निकाल लिया इसमें से, अब दूसरे को, इसको हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये भी 0 से a हो जाए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इस इंटीग्रल को हमने मान लिया i। किस वाले पार्ट को मान लिया? इस वाले पार्ट को हमने i अज्यूम कर लिया। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया -a to a f(x) dx इज इक्वल टू i+0 to a f(x) dx। अब इस i की वैल्यू क्या है? तो व्हाट इज दिस एंड लेट दिस बी नंबर 1, मान लेते हैं इसका नंबर 1 है। i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? i इज इक्वल टू है -a to 0। आप देख सकते हैं -a to 0 f(x) dx, ये हमारे पास i है। अब हमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा कि जिससे हम कुछ तरीके से ऐसा बना लें कि ये इंटीग्रल डबल हो जाए? तो वो सोचने के लिए आप x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन का आइडिया यहाँ पे होता है। x की जगह आपको -x चाहिए, पर आप x की जगह -x डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप x बराबर -x लिखेंगे तो ये उधर जाके 2x = 0 और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली वी कैनॉट पुट x = -x, एक कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो लेट्स पुट x = -t। तो dx/dt क्या हो जाएगा इससे? dx/dt हो जाएगा आपका -1। तो dx का वैल्यू हो जाएगा आपका -dt, dx will be -dt। तो हम dx की जगह क्या लिख देंगे? तो हमारा इंटीग्रल इस तरीके से हो जाएगा f(-t) और dx की जगह हम लिख देंगे -dt। अब लिमिट्स को देखते हैं। ये लिमिट्स किसकी हैं? ये x की हैं। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। एंड हाउ वी कम टू नो दैट दीज आर द वैल्यूज ऑफ x? इससे d के अंदर जो लिखा रहता है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू होती है वो लिमिट्स। x की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये। अब हमारा जो फंक्शन है वो पूरा किस में आ गया? हमारा इंटीग्रल t में आ गया, तो अब हमें t की वैल्यू लगेगी। तो जब x की वैल्यू कितनी है? तो जब x की वैल्यू वहां से देख लें आप, -a है, तो यहाँ पे -a डाल देंगे, तो -a = हो जाएगा -t, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज t = a। तो अब x यहाँ पर हम a लिख सकेंगे, और x की जब वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली है, o सरीके दिख रहा है, माफ करिएगा। तो ये हो जाएगा 0 = -t, दिस इंप्लाइज t = 0। तो ये लिमिट आ जाएगी 0। अब ये t की वैल्यूज चलेंगी, क्यों?
क्योंकि अब x की वैल्यूज से हम t की वैल्यूज में आ गए, क्योंकि हमारा फंक्शन x की जगह किससे में आ गया, t में आ गया। तो अब हमारे पास लिमिट होगी a टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी माइनस डी टी। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो बाहर एक माइनस साइन आता है। तो ये लिमिट्स इंटरचेंज की बाहर माइनस आया, ये माइनस तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, पर ये जो माइनस ऑलरेडी है इससे इसको कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कोट कर सकते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड, अल्फा टू बीटा जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस बीटा टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स, दिस प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर। तो ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास। तो एट दी लास्ट ये समझे कि व्हाट इंटीग्रल इज देयर। तो हमारे पास ध्यान से देखें ये क्या चल रहा था, तो दिस इज इक्वल टू आई, तो देयरफॉर दिस इज आई और ये आई आ गया। तो आई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ साफ सुथरी वैल्यू लिख लेता हूँ। आई की वैल्यू आई है जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब और समझे, एफ ऑफ माइनस टी डी टी है, हमने x की जगह माइनस टी रखा था, फिर हमने x की वैल्यू से लिमिट चेंज कर ली, x की वैल्यूज रख रख के t की वैल्यूज निकाली, लिमिट चेंज हो गई। हमने क्या रखा था, लेट्स फॉरगेट दोस थिंग्स, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में आपने एक बार सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट चेंज की, इसके तो पीछे क्या किया था वो याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, तो अब हमें देखें कि अब हम कुछ कुछ करीब करीब पहुंच रहे हैं, पर हमारे पास कंडीशन है। तो वी आर गिवन टू कंडीशन, कंडीशन वन इज दिस एंड कंडीशन टू इज दिस, बोथ द कंडीशन आर ऑन एक्स। आप देखें एक्स पे लिखी हुई है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब द प्रॉब्लम इज दिस, एफ ऑफ माइनस टी वी हैव, तो कैन वी राइट दिस एज एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स? यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमने तो पीछे x इज इक्वल टू माइनस टी पुट किया था, तो हम इंडेफिनेट में तो t की वैल्यू माइनस एक्स रखते थे, तो इंडेफिनेट में वी यूज टू डू, ऐसा करते थे, लेकिन डेफिनेट में भी करते हैं, पर लिमिट जब चेंज नहीं करते तब करते हैं। बट हियर वी हैव चेंज द लिमिट्स, पर इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में हमने लिमिट्स चेंज कर दी है, तो इसलिए हमने पहले क्या रखा था वो हमारे मतलब की बात नहीं है, उससे हमारा लेना देना खत्म हो गया, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। नाउ आई कैन रब इट, अब इसको मैं रब कर सकता हूं। तो ये एक बात आपको चौंकाने की लगती होगी कि टी की जगह ऐसा कैसे रख दिया। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए ये वाला काम करें, 1 to 2 आप देख लें यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है और 1 to 2 टी स्क्वायर डी टी है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यों, इसका इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 to 2 इंडेफिनेट में अलग हो जाता है क्योंकि एक एक्स है दूसरा टी हो जाता है, यहां पर नहीं होगा। ध्यान से देखें, अब दोनों में आप लिमिट रखेंगे तो वही हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 8/3 -1/3 7/3, इससे भी वही आएगा 8/3 -1/3, सेम वैल्यूज हैं। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं अपन कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल्स से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, डब्ल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट्स सेम होना, फंक्शन सेम होना। अगर आप सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं कैसे हो गया, तो आप चाहें तो टी की जगह एक्स ले लें, तो जब टी की जगह एक्स लेंगे तो डी टी की जगह डी एक्स आ जाएगा, टी की जगह एक्स आ गया, लिमिट में भी चेंज नहीं होगा। टी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, टी की वैल्यू ए रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए आएगी। और इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो प्रूफ इज ऑलरेडी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बस आपको जस्ट एक क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ लेट्स कम टू टू सिचुएशंस, दो कंडीशंस पे आते हैं। तो कहां है वो कंडीशंस, तो दीज आर द टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस है, तो कंडीशन नंबर 1 है और कंडीशन नंबर 2 है। तो व्हाट डज दिस कंडीशन से,
देखो ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से देखिए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है तो देन आई क्या बन जाएगा आपका, तो आई उस केस में ध्यान से देखिएगा आपका आई, आई कहाँ है आपके पास, ओके आपका आई कहाँ है, आई आपका ये है, आई आपका ये है, ये है आपका आई, तो आई क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए इसको मैं रब कर दूं अदरवाइज ये कंफ्यूजन बनाएगा, तो इसको रब कर दिया, आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो टू ए, ध्यान से देखें एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो, एफ एक्स हो, तो यहां पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा हो तो, नहीं हो तो फिर अपन चिंता नहीं करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो तो आई बराबर ये होगा, और वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई की वैल्यू रख दीजिए आप, आई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ऑलरेडी है वहां पे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो गया, द इंटीग्रल हैज बिकम डबल, तो ये हो गया ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, मीन्स दिस पार्ट इज प्रूव्ड, कौन सा वाला, दिस पार्ट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा तो ये इंटीग्रल इस तरीके का हो जाएगा। अब कंडीशन टू, तो कंडीशन टू क्या कहती है हमारी, कंडीशन टू ये कहती है कि अगर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, इफ ऑफ एफ एफ ऑफ देखिए आप एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, देन इसी को कहते हैं ऑड, एफ ऑफ माइनस एक्स का माइनस एफ एक्स होना ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज प्लस एफ ऑफ एक्स इवन है, बहुत ज्यादा इवन ऑड जानना चाहते हैं आप फंक्शन का वीडियो देखिए मेरा, आईआईटी जेई के लिए मैंने बनाया हुआ है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स देन आई की वैल्यू क्या होगी, तो देन आई इज इक्वल टू दिस इज आई जीरो टू ए, यहां माइनस एफ एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू कहां रख देंगे हम, तो जैसे इसमें किया था वन, तो देन फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, वन क्या कहती है, तो वन इक्वेशन क्या कहती है, देखिए वन इक्वेशन कहती है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है जीरो टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और है उसमें जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा जीरो, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो मीन्स वी हैव प्रूव्ड बोथ द पार्ट्स। इसमें हो सकता है आपको कोई, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ है, और मैंने कहा भी है जो लिखता हूं मैं प्रोनाउंस भी करता हूं, तो ये दोनों कंडीशंस के बेसिस पे वी हैव प्रूव्ड दिस। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, लेट अस सी, तो हाउ टू अप्लाई दिस टू, अगर मान लीजिए आपके पास है माइनस टू 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 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो दिस इज माइनस है एंड दिस इज व्हाट ए, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डबल, और लिमिट हो जाएगी जीरो टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी जीरो टू टू हो जाएगी क्योंकि ए हमारा टू है, फिर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, फिर लिमिट लगाएंगे तो एट बाई थ्री से सिक्सटीन बाई थ्री आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्रॉपर्टी समझाने के लिए ऐसा किया। अगर इसी तरीके का आपका होगा, ध्यान से देखिए, माइनस वन टू वन एक्स मॉड एक्स डी एक्स, माइनस वन टू वन एक्स मॉड एक्स डी एक्स, तो फिर क्या होगा आपका, इस केस में ए कौन है, ए इस केस में आपका वन है क्योंकि ये ए है और ये आपका माइनस है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है,
तो आप इसमें भी करके देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड के अंदर तो आप जानते हैं प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स मॉड एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें इवन ऑड का केस था। अब इवन ऑड के अलावा भी कुछ हो तो फिर उसके लिए ये कंडीशन नहीं लगेगी। और होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू आस्क, माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस, यू कैन अप्रोच मी एक्सेस मी एट एनी टाइम, आई एम विद यू फॉर यू ओनली, विश यू ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।